तो बच्चों, इससे पहले हमने वर्ण सीखे थे। उसमें पहला वर्ण सीखा था अ, उसके बाद हमने वर्ण सीखा था आ, और उसके बाद वर्ण सीखा था ई। यानी कि तीन वर्णों की पहचान हम लोगों ने की हुई है। ठीक है, तो आज हम कुछ ये ई वर्ण ई से इमली हमने सीखा हुआ था इसके पहले लेक्चर में। हाँ, तो इसके बाद ये छोटी ई है, ये छोटी ई के बाद हम आज बड़े ई की पहचान करने वाले हैं। किसकी पहचान करने वाले हैं आज? बड़े ई की। तो ये बड़े ई छोटी ई की ही तरह आती है। ठीक है, लेकिन इसमें इसके ऊपर क्या आता है? रफा, जिसको हम क्या करते हैं? रफा, ये लेने से ये बड़ी ई होती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो ई है, ये ई से कई सारे शब्द तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से ई से ईक, ईक यानी कि ऊस, जिसको हम मराठी में ऊस कहते हैं, अंग्रेजी में उसको शुगर केन कहते हैं, तो ईक का मतलब है ऊस। ठीक है, तो ई से ईट, ईट यानी कि हम बिल्डिंग बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज करते हैं, बीटा, जिसको मराठी में बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ई से ईट आता है। ई से ईश्वर, ईश्वर यानी कि भगवान, ईश्वर आता है। और ई से ईद होता है। तो ईद क्या है? तो ईद एक उत्सव है और वो हमारे मुस्लिम बांधव जो है, भाई बहन जो है, वो मनाते हैं। ठीक है, तो ई से कई सारे शब्द आते हैं। तो ई से कौन कौन से शब्द आते हैं हम फिर से देखेंगे। ठीक है, ई से ईक, ई से ईट, ई से ईश्वर, ई से ईद। इतने सारे शब्द ई से शुरू होते हैं। तो बच्चों ये जो ई है, ये हमें आज पहचान करनी है। ठीक है, तो ये ई पेज नंबर आपको 18 और 19 पे दिखाई देगी। तो बच्चों आपके पास जो ये बुक है, हिंदी अक्षरमाला भाग अ, उसमें से पेज नंबर 18 और 19 निकालिए। तो इस पेज पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक वर्ण लिखा हुआ है। ये वर्ण है ई, इसको बड़े ई भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चित्र है ईख का। ईख का मतलब है ऊस या शुगर केन। ठीक है, तो ये ई, ई से ई। तो बच्चों मेरे साथ दो लाइन्स आप अच्छे से बोलोगे, बोलोगे ना? हाँ, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और वो अच्छे से गाना गाते हैं, मुझे मालूम है। देखो बच्चों, बोलो मेरे साथ, रेडी? सब लोग रेडी? हाँ, वेरी गुड। ई से ई, किसान उगाता गुड़ और शक्कर बनाता। फिर एक बार, हाँ बच्चों, ई से ई, किसान उगाता गुड़ और शक्कर बनाता। तो ये ई जो है, ये गन्ना जो है, ये कौन उगाता है? ये किसान अपने खेतों में उगाता है और उससे वो गुड़ और शक्कर यानी कि शुगर बनाता है। तो गुड़ और शक्कर कैसी लगती है? बहुत ही मीठी लगती है। हाँ, तो बच्चों आज हमें ये ई लिखनी है। सिर्फ इसकी पहचान नहीं करनी, तो इसको हमें लिखना भी है। तो बच्चों आपके हाथ में अभी क्या होना चाहिए? पेंसिल होनी चाहिए, और पेंसिल के साथ आप ये ई अच्छे से लिखोगे। पहली बार आप ध्यान से इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे कि किस तरह से मैं ई लिखती हूँ। ठीक है, तो लिखते समय हम मुंह से भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई से ईक, ई से ईक, ई से ईक। वेरी गुड। चलो अभी हम लिखेंगे। आपके हाथ में क्या होगा? आपके हाथ में पेंसिल होगी अभी। ठीक है, ई से
क्या होता है? हाँ, गृह कार्य का मतलब है होमवर्क। तो ये होमवर्क भी आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे भी आप बोल के लिखोगे। But
होगा। आप ये नाम लिखते समय अपने भैया की या अपने दीदी की या अपनी माँ की मदद लीजिए। हाँ ठीक है, तो आप अपना नाम लिख सकोगे। वेरी गुड। आप देखो यहाँ पे ई हुई है, तो क्या करना है, देखो चित्र लेकर वर्ण लिखिए। तो ये चित्र कौन कौन से है देखो, तो यहाँ पे है ईट। ईट का मतलब है मराठी में विटा और अंग्रेजी में उसको ब्रिक्स कहते हैं और उससे हम इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग्स। यस, तो ये ईट है और ये ईक। ईक का मतलब है शुगर के। अभी हमने ये ईक सीखी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे टीचर्स ने, मैंने यहाँ पे कुछ ई बड़ी ई लिख के दी है, इसी की कॉपी करके आपको ये आगे 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 अच्छे से लिखनी है। और इससे लिखेंगे आप सब पेंसिल से। वेरी गुड। और इरेजर का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। अभी ये जो ई लिखकर कंप्लीट हो गई, तो आप पेज टर्न कीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या है यहाँ पे। देखो देखो देखो, चित्र का पहला अक्षर लिखिए। क्या है, चित्र का पहला अक्षर लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिए हुए है उसका पहला अक्षर यानी कि ई। ये बड़ी ई हमें यहाँ पे तीन बार लिखनी है। तो पहला चित्र है ईश्वर का। जब हम भगवान को देखते हैं तो उसको हम प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ई से ईश्वर। उसके बाद ये है ई, तो यहाँ पे आएगा बड़ी ई। और ये है ई जो हमारा क्या है, त्योहार है, तो यहाँ पे भी आएगी बड़ी ई। तो आपको बड़ी ई एक दो और तीन बार लिखनी है। सिर्फ कितनी बार लिखनी है, तीन बार। तो बच्चों ये वर्कशीट बहुत ही आसान है और आप अच्छे से छुड़ा सकते हो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे बहुत होशियार है और ये अच्छे से कर सकेंगे, चुटकी में कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों आज हमने पहले क्या किया, हमने सुलेख दिया। सुलेख करने के बाद हमने क्या किया, बड़े ई की पहचान कर ली। और बड़े ई की पहचान होने के बाद हमने उसकी वर्कशीट छुड़ा ली है। तो आज हम यही रुकेंगे।